ये वाला कलर देखो कितना प्यारा लग रहा है। ऐसा ही है भाई। ओहो, अरे यार कितनी बार बोल दिया कन्नडा का वीजा नहीं चाहिए मेरे को, रूस का चाहिए, बोलो थाईलैंड का चाहिए। इनको इंग्लिश आ रही है, देखो इंग्लिश आ रही है। कैसे इंग्लिश? बारिश में अलग मूड में आ गए। पर एक बात आपको पता नहीं भाई, घर से लड़ाई करके आए हैं। तुम खड़े हो जाओ, पनिशमेंट मिलेगी आपको। बेटा चप्पल होंगे भैया, ये आदमी टूने कर रहा है यहाँ पे। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हम लोग हमारी गाड़ी की डिलीवरी लेने के लिए आए थे और लेने आए बाइक पे, ये तो ठीक है, हम बच गए। पहुंचते ही बारिश स्टार्ट हो गई, ये देखो इतनी भयंकर वाली। और भाई ये आदमी, इस आदमी की वजह से हम लोग बाइक से आए हैं। भाई साहब, हाँ मैं बात कर ली, हाँ क्यों बाइक है ना, साइड में खड़ी कर दो और कार ले फुल जो। ये बात तो मैंने आपको बोली थी। चलो चलो, हाँ इतनी बारिश में, बढ़िया बारिश वाला मूड। वो देखो वो सामने वहाँ पे जिमनी खड़ी है भाई, और इतनी खतरनाक बारिश हो रही है, मतलब आज से ज्यादा खतरनाक। ये देखो पानी बह रहा है भाई, बहुत तेज बारिश है। बोल है मायने, चाय पीऊं चलना मौसम, ये चाय को मर रहा है। आप जाओ बारिश में भीग के जाओ, चलना चाय पियो मायने जा। ये भाई सब टीम यहाँ पे वेट कर रही है बारिश रुकने का। ये गाइस मैं बता दूं, ये काले जादू जानते हैं, ये कब से मंत्र मार मार के इन्होंने सिर्फ चाय पीने के लिए। बड़े चप्पल उल्टी मार रहे हैं, बोले बारिश रुक जाएगी। चप्पल उल्टी करने से कौन सी बारिश रुकती थी? तो यहाँ है अरीना, वहाँ है नक्शा, और हमारी गाड़ी फुल रेडी पड़ी है भाई। बंदे ने 5 बार फोन कर दिया, भाई साहब आपकी गाड़ी ले जाओ यार, वो मेरे को सब पॉइंट में चलना यार, थोड़ा भीजा भी भाई, भीग जाएंगे, मैं तो नहीं जाऊँ। बारिश थोड़ी कम हो गई है फिलहाल, हम लोग निकल रहे हैं, धीरे धीरे अंदर जाएंगे धीरे धीरे। अरे भाई साहब ये देखो ये भिगा के जाएंगे मेरे को पक्का। वो भाई पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, मेरी चप्पल भी ये वाली है, पीछे से पूरी लोअर गिली हो गई, टी शर्ट पूरी गिली हो गई भाई, भीग तो गए लेकिन अपनी गाड़ी बेच दी भाई, मज़ा आ गया। अब हम नई गाड़ी लेंगे, ये लेंगे अल्टो 800 भाई, जिमनी लेंगे अल्टो 800 भाई। पर मैं अगर जिमनी लेके घर चला गया ना, मेरे को घर वाले घुसने नहीं देंगे, क्योंकि पूरी फैमिली जिमनी में नहीं आएगी, पूरा शोरूम खंगाल वाला। गाड़ी नहीं मिली भाई, गाड़ी उधर खड़ी है, मेरे को लग रहा है आगे कहीं पे। सही में गाड़ी भेज दी जाती, अब नई गाड़ी की बुकिंग करा दो यहीं से, उनको बोलो पैसे सारे रख लो, ऊपर कितने देने वो बता दो। सही है। फाइनली हमें गेट पास मिल गया है यहाँ पे, और सब काम इन भैया ने करवाया, तो थैंक यू पूरा इनको जाता है। जिमनी को मैंने जितना बड़ा सोचा था ना, ये उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन लुक वाइज बहुत प्यारी गाड़ी है भाई। ये घड़ी देखो, बहुत प्यारी गाड़ी है भाई, ये देखो ऑल ग्रिप, इसका टायर भी बहुत बड़े हैं, फ्रंट भी शानदार है इसका। अब इसका रिव्यू करना है अपन को, है भी चाचू ऊंची दी है गाड़ी भी, है ना, SUV सेगमेंट में बढ़िया गाड़ी निकाल दी है। अब इसको चलाएंगे तो पता लगेगा कि कितनी बढ़िया है। और उधर वो खड़ी है फ्रॉन्क्स, पूरी ग्रैंड विटारा की कॉपी, पीछे से बलिनो की कॉपी, आगे से ग्रैंड विटारा की कॉपी। ये वाला कलर देखो कितना प्यारा लग रहा है। अंदर बैठ के देखते हैं, इसके ऊपर SUV वाला फील आता है तो कितना आता है भाई साहब। सीटें इतनी कंफर्टेबल है इसकी, और पूरी ऊपर है गाड़ी, मतलब अच्छी है, थार जैसी लुक तो है इसकी, थार थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची है इसकी ना, विड्थ थोड़ी कम है, बाकी गाड़ी तो अच्छी है। ये देखो भाई इसको बढ़िया, अपन एक बार इग्निशन ऑन करके देखते हैं। फ्रंट का कंफर्ट तो शानदार है इसका, ये पीछे से देखते हैं, सीट तो अच्छी दी है भाई पीछे भी। आह, लेग रूम थोड़ा सा कम है, लेग रूम कम है, कॉम्पैक्ट है गाड़ी, लेकिन ठीक है, एडवेंचरस गाड़ी है ये, मतलब ज्यादा लंबे टूर के लिए नहीं बनी है। 4x4 इट मींस पावर पैक गाड़ी है। हाँ पावर अच्छी रहेगी, क्योंकि मारुति की गाड़ी के इंजन तो, मारुति के इंजन लिटरली बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है भाई, एवरेज के मामले में भी और पावर के मामले में, मतलब कभी भी आपको अंडर पावर फील नहीं करवाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, बाकी भाई हर बंदे की अलग अलग सोच रहती है। बहुत बड़ा इंजन है भाई इसका,
चल भाई गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में बात कर रहे हैं। इसके दो ही मॉडल निकाले हैं, बहुत शानदार शानदार, बहुत जल्दी इसका रिव्यू करने वाले हम लोग। ये भैया को आप लोग जानते ही हो, लास्ट टाइम इन्होंने रिव्यू करवाया था, हाई कर दो भैया एक बार। तो ग्रैंड विटारा के टाइम पे यही भैया थे, बहुत बढ़िया इन्होंने रिव्यू करवाया। तो इस बार फिर से जिमनी और फ्रॉक्स दोनों में से आप लोग कमेंट में बताना कौन सा चाहिए। तो भाई गाड़ी अपनी बहुत बढ़िया बनी है, लेकिन ये आदमी पता नहीं क्या चाह रहा है इस गाड़ी से, ये नीचे झुक झुक के क्या देख रहे हो आप। तो भाई गाड़ी अपनी बहुत बढ़िया और कलर इतना बढ़िया मैच हुआ है, ये फेंडर नया डला गया पूरा। चलो भाई बढ़िया, यहाँ भी थोड़ा सा कलर में वो करवाना है टचिंग। अभी सीन कुछ ऐसा है कि गाड़ी लेके मैं आ रहा हूँ, चाचू और गोविंद भी जा रहे हैं भाई इसमें। भाई बढ़िया पूरी गाड़ी को अपन ने ड्राई क्लीन करवा दी है, देखो रूफ टॉप देखो, पूरा ये डोर वगैरह देखो, मतलब एकदम नई जैसी बनवा दी है गाड़ी को। तो अब बढ़िया सा एक बार कॉल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज ठंड है बाहर, तो ये कॉल स्टार्ट ही हुआ भाई अपना। तो गाड़ी बढ़िया स्टार्ट हो गई है और चलाते हैं वाइपर, थोड़ा सा बैक लगा के इधर से निकाल देते हैं। भाई चाचू पता नहीं क्या निरीक्षण कर रहे हैं इसका, बोनेट ओपन करवाया क्योंकि बोनेट पूरा नया आया है। तो अभी देखते हैं भाई इसमें क्या कुछ करवा रहे हैं वो। भाई गेट पास हाथ में लेके अपन खड़े हैं, बैठे हैं मतलब, और भाई साहब खड़े हैं जिनको अपन को देना है गेट पास। ठीक है चलो भाई बढ़िया, अपनी गाड़ी की डिलीवरी हो गई है, गाड़ी पूरी न्यू जैसी हो गई है अंदर से, और बहुत जल्द इसको ना तगड़ा मॉडिफाई करवाने वाला हूँ मैं। मेरे को नहीं पता था कि आज का दिन हमारे लिए बुरा भी होगा और अच्छा भी होगा, ये फॉग आ गई देखो। तो यहाँ हम जो बाइक लेकर के आए थे वो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, तो इतना कीचड़ ऊपर से बाइक को स्टार्ट करना, ये बाइक बंद हो गई भाई। गाइस यहाँ पे हमारी बाइक खराब हो चुकी है और काव्य दादी ब्लॉग इस पे कंटिन्यूली काम कर रहे हैं, और मैं इनको चैलेंज कर चुका हूँ कि ये गाड़ी चालू नहीं होगी, लेकिन ये अभी क्या किया हमने, वो बाइक तो छोड़ दी अंदर, गार्ड भैया को चाबी दे दी है, क्योंकि बाद में कभी आएंगे या शाम तक जैसे ही सूखेगा वो, उसका प्लग के अंदर पानी चला गया और प्लग वाली वायर में करंट भी नहीं आ रहा भाई। अंदर से गाड़ी इतनी प्यारी लग रही है ना, लिटरली बता रहा हूँ, इसे चलाते ही जाऊँ ऐसा मन कर रहा है। क्या गोविंद भैया चले गए अजमेर साइड में लॉन्ग ट्रिप पे, बढ़िया मौसम हो रखा है। मेरा छोड़ दो भूखा मरूँ, ये तो भूख ही है भाई जिंदगी की। एक तो इतने सारे इन्होंने टूने कर दिए और बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। क्या क्या मंत्र डाला था बाइक पे, बोले मैं तो गाड़ी पे जाऊंगा, मैंने बोला नहीं भाई बाइक लेके आनी पड़ेगी। भाई पता नहीं क्या मंत्र मारा बाइक पे, बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई, आखिर बंदा गाड़ी पे आया है। चू शिमला जाना चाहते हैं मिला इनसे, पीछे से ऐसे बाल बना है भाई, ऐसा ही है अपना टोरा कुछ ऐसा बाल बना रहे बढ़िया यार। शिमला जाना चाहता हूँ मैं, अपन कन्नाडा जाएंगे, ये ज्यादा हो गई। ये भाई कौन से मंदिर में जाके आए हो तो? नहीं, नहीं भाई साहब, कौन से बाबा ने आशीर्वाद दे दिया भाई आपको? मेरी मेहनत का नतीजा है आज ऐसा मंत्र मारा बाइक पे, और वो बाइक अब दो दिन तक नहीं स्टार्ट होगी। क्यों? आज बारिश आएगी कल बारिश आएगी, हाई अलर्ट बता रखा है भाई, आज बारिश आएगी कल बारिश आएगी, तो बारिश के टाइम पे तो वो स्टार्ट होगी नहीं भाई। वाह ऐसा ही है भाई। हेलो, ओहो अरे यार कितनी बार बोल दिया कनाडा का वीजा नहीं चाहिए मेरे को, रूस का चाहिए, बोलो थाईलैंड का चाहिए, मेरे को जाना ही नहीं है यार नागौर से बाहर, साले फोन कर रहे हैं, पासपोर्ट ही नहीं है बंदे का, बोले मेरे को जाना ही नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, जाने से पहले वीजा लगना पड़ता है, पासपोर्ट लगाना पड़ता है। तो भाई फाइनली घर पहुंच गए हैं, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूं, क्योंकि आज के ब्लॉग में आप लोग को ये डिलीवरी दिखानी थी, क्योंकि डिलीवरी हम लोग ने ली है बारिश में, और बारिश जब आ रही थी तो मूड बन गया कि अपन आज ब्लॉग करते हैं। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देता हूं, और होप करता हूं मेरा आज वाला ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर ये वाला ब्लॉग आप लोग को पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।